लोगों की भीड़, पुलिस का पहरा। चीख पुकार बातम। तस्वीरें अमेठी में मारे गए सुनील भारती के रायबरेली घर की हैं, जहां पर अमेठी में मारे गए परिवार के चारों सदस्यों के जब शव पहुंचे तो मानो हाहाकार मच गया। परिवार के लोग बिलखने लगे, आंसुओं के साथ चीखने लगे, उठाने लगे सवाल, सवाल पुलिस पर कि अगर पुलिस बेपरवाह ना होती, अगर पुलिस अपना काम ठीक से करती तो शायद सुनील के परिवार को बचाया जा सकता था। क्या मांग कर रहे हैं, यही मांग देख लो, जैसे फैले यही फैला चाहिए हमको, खून के बदला खून। सुबह से मीडिया पे मीडिया, पुलिस पे पुलिस, पुलिस पे पुलिस। सबर सबर सबर, कितना सबर करे, कितना सबर चाहिए। आज जब एप्लीकेशन लगा है तो क्यों हो गया यार, ये जितने लोग हैं क्या कर रहे हैं, लगा लिया टोपी, पहन लिया बिल्ला, चल दी, क्या करते हैं, इनको किस लिए पहनाया दिया है, जनता सुरक्षा के लिए, बताओ। हम कुछ नहीं जानते, सुनो रुको, ऊंचा हार गदागन राबली, जितने शिवबाबा सब सब पेंट करें, बस सबका हटाओ, मैं बस हमारी यही मांग है। वर्दी पहन के भागे, पहले सुनवाई कर रहे थे, काहे आते दिन क्या कर मिलते, ये दिन ना देखने पड़ता, ये सब पुलिस की कार्रवाई नहीं हुई इसलिए दिन देखना पड़ रहा है। आज टोपी लगाए घूम रहे हैं, कार्रवाई हो जाए तो आज हम भाई जात ना, आज आओ भाई, यही पहने वाला यहाँ है भैया, पुलिस मरा आज हमारा भाई आज। दरअसल सुनील रायबरेली के गदागंज थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। सुनील अमेठी में सिंहपुर ब्लॉक के पनहुआ कंपोजिट विद्यालय में पढ़ाते थे, मगर जब से बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था लागू हुई तब से सुनील अपने परिवार के साथ अमेठी में किराए के मकान पर रह रहे थे। कल शाम करीब 7 बजे गोली मारकर सुनील भारती, उनकी पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी गई। घटना स्थल से पुलिस को 9 खोखे और 1 जिंदा कारतूस भी मिला। इस मामले में परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने चंदन वर्मा नाम के एक शख्स को नामजद किया है। दरअसल चंदन वर्मा रायबरेली के तिलियाकोट मोहल्ले का ही रहने वाला था। फिलहाल इस मामले में लव अफेयर का मामला भी सामने आ रहा है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें चंदन वर्मा मृतक सुनील की पत्नी के साथ दिखाई दे रहा है, साथ ही वीडियो कॉल पर बात करने की भी बात सामने आ रही है और ये तस्वीरें अब काफी ज्यादा चर्चा में है। तो काफी पेचीदा ये मामला हो चुका है, लेकिन रायबरेली की ये तस्वीरें किसी को भी हिलाकर रखने के लिए काफी है। सुनील की बहनों के सवाल भी झकझोरने के लिए काफी है कि क्या वाकई में सुनील और उसके परिवार को बचाया जा सकता था। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। रायबरेली से शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।